वोटिंग और चुनाव से पहले ही आ गई है बड़ी खुशखबरी बॉलीवुड के दमदार एक्टर सनी देओल के लिए, क्योंकि जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव में अपना हाथ आजमा रहे हैं सनी देओल और भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री के पद पर बिठाने के लिए जिस तरह उनकी तैयारियां रही, पुराने गिले शिकवे को भूलकर अपनी की मां प्रकाश कौर के होते हुए उन्होंने अपनी सौतेली मां हेमा मालिनी का दामन थाम लिया और इसके बाद उन्हें जो बड़ी खुशखबरी मिली है उस पर हम बात करेंगे। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नेक्स्ट नाइन न्यूज में। इस शो में हम आपके बीच लेकर आए हैं हमारे चैनल की तरफ से बेहद स्पेशल रिपोर्ट। जी हाँ, हमारे इस प्रोग्राम में आज हम बात करने वाले हैं सनी देओल, जिन्होंने गद्दर फिल्म के जरिए जमकर 20वीं सदी के स्टार्टिंग में तहलका मचाया था। ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर के जरिए जिस सनी देओल का नाम बॉलीवुड में दमदार एक्टर पड़ा था, जिसमें वो एक कल को उठाकर हाथ में ले चलते हैं और उनके एक्शन सीन्स और जिम्मेदार जी हां दमदार डायलॉग की जमकर बातें हुई। ऐसे में उस गदर प्रेमी सनी देओल के जितने भी दर्शक हैं वो उन्हें लोकसभा चुनाव में जीत की तरह बढ़ते देखना चाहते हैं, तो उन्होंने गदर वाले स्टाइल के साथ, फिल्मी अंदाज के साथ, नामांकन भरने के साथ जिस तरह भाजपा से जुड़कर गुरदासपुर, पंजाब के गुरदासपुर से उम्मीदवारी के रूप में अपना कदम बढ़ाया, उनके लिए ये एक तरह बड़ा फायदेमंद साबित हो गया। जी हाँ, वोटिंग से पहले उन्हें एक बड़ी जीत मिली है, क्योंकि उन्हें अपने फिल्मों में बड़ी सफलता, फिल्म ब्लैंक की सफलता के साथ सनी देओल को लेकर बड़ी खुशखबरी आई है कि गदर 2 यानी कि गदर फिल्म के दूसरे सिक्वल की चल रही है अब तैयारियां। जी हाँ, दूसरा सिक्वल यानी कि गदर 2 की मेकिंग की तैयारी चल रही है। अब एक बार फिर से सकीना के साथ सनी देओल की जोड़ी, अमीषा पटेल और सनी देओल की जोड़ी आपको देखने को मिलेगी, तो ये सीने प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। तो वहीं लोकसभा चुनाव में पहली बार कदम रखने वाले सनी को काफी ज्यादा प्रशंसक प्यार दे रहे हैं और इसी का नतीजा ये है कि उनकी रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म ब्लैंक को करोड़ों का फायदा मिला है। करोड़ों के क्लब में शामिल होकर इस फिल्म ने तब तहलका मचाया जब इंटरनेशनल फिल्म एवेंजर्स एंड गेम की चर्चा पूरी दुनिया में चल रही है। तो लोकसभा चुनाव के लिए जहां पीएम मोदी का साथ देते हुए सनी देओल अपनी स्टेप मॉम हेमा मालिनी के साथ लगातार ही भाजपा की जीत के लक्ष्य के लिए अलग अलग तौर तरीके से प्रदर्शन करते नजर आए हैं। रोड शो, रोड रैली, जन सैलाब के बीच जनता को संबोधित करते नजर आए हैं। वहीं दूसरी तरफ परिवार का उन्हें साथ मिल रहा है। छोटे भाई बॉबी देओल के साथ उन्होंने रोड शो किया था, जिसके बाद सनी देओल लगातार अलग अलग राज्यों में अपनी जीत को लेकर जनता का भरोसा जीतने के लिए लगातार बयानबाजी से लेकर जनता को भारतीय मूल की बात करते हुए बताते नजर आए। तो वहीं देशभक्ति को अपना एक ताकत बताकर सनी देओल ने जनता का दिल जीतने के लिए जमकर प्रयास किया है और इसके लिए रोड शो, प्रदर्शन से लेकर इंटरव्यूज, हर जगह सनी देओल का नाम चर्चा में है। दोस्तों, मैं तृप्ति आज आपको ये बता दूं कि गदर 2 के लिए तो जमकर तैयारियां हैं और एक ही तरफ इशारा करती है सनी देओल को जिस फिल्मी करियर में बड़ी सफलता एक लंबे समय से नहीं मिली है। 2010 के बाद कई बार फिल्मों में आने वाले सनी देओल को अपने ही प्रोडक्शन में बने फिल्मों में भी सफलता ना मिलने पर फाइनेंशियल कंडीशन पूरी तरह से गिरने के बावजूद उन्होंने काफी ज्यादा हतोत्साहित होकर धीरे धीरे फिल्मी करियर पर विराम लगाना शुरू किया, लेकिन फिर भी फिल्मों में उनका आना कम नहीं हुआ। ये बात अलग है कि बड़े तौर तरीके से बड़ी हिट फिल्म उनकी कोई भी नहीं गई, लेकिन इस बार ब्लैक फिल्म के बड़ी हिट होने के पीछे कारण यही है कि सनी देओल के इस फैसले पर जनता उनसे काफी खुश है। काफी उम्मीदें हैं जनता को कि सनी देओल दर्शकों के बीच जो अपना दिल हमेशा से फिल्मी अंदाज में देते आए हैं, फिल्मी
इंडस्ट्री को वो लोकसभा को भी दिल जीतेंगे और लोकसभा में गुरदासपुर का दिल जीतने के साथ साथ जनता की सेवा में अपना पूरा का पूरा जी जान लगाएंगे। जो बात वो कह रहे हैं उस बात पर अड़े रहेंगे। खैर, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वोटिंग के बाद पांचवें चरण की वोटिंग की तैयारियां शुरू हो चुकी है और इस बार जनता के बीच देखना होगा फैसला क्या होता है, किसकी जीत होती है। फिलहाल आपसे यहीं पर लेते हैं इजाजत, लौटेंगे जल्द आपके बीच इसी तरह तमाम बड़ी अपडेट्स को लेकर, तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरों को लेकर, लोकसभा चुनाव से लेकर हर बड़ी देश भर में होने वाली खबरों को लेकर। तो इसके लिए आप देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।